और अब चलते हैं कुछ एग्जिबिटर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं नो वन किल जेसिका एंड विकल्प उनके यहाँ कैसी ओपनिंग ली इन दोनों फिल्मों ने, उनके यहाँ क्या रिपोर्ट्स हैं, पब्लिक को कैसी पसंद आ रही है। सबसे पहले आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमित अवस्थी जो हमें बताएंगे कि स्पाइस मल्टीप्लेक्स नोएडा में आज की रिलीजेस के क्या हाल है। अमित जी आपका ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस में स्वागत है। थैंक यू कोमल जी। बहुत ठंड है सर? बहुत ठंड है सर, बहुत ठंड है नोएडा में। अच्छा मुझे ये बताइए जेसिका नो वन किल जेसिका की ओपनिंग कैसी लगी आपके मल्टीप्लेक्स में? सर नो वन किल जेसिका की ओपनिंग अच्छी है। पहला शो थोड़ा कमजोर था लेकिन उसमें भी अराउंड 65% ऑक्युपेंसी थी। अच्छा 65% पहला शो तो नेचुरली बहुत ठंड होगी इसलिए। बहुत सर, 6 डिग्री टेम्परेचर था नोएडा का। एग्जैक्टली, तो 6 डिग्री में 230 लोगों का आना क्वाइट अ गुड साइन। यस डेफिनेटली। और उसके बाद के शोज सर? उसके बाद सेकंड शो थर्ड शो फुल है। अच्छा दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिल्म या एंड फिल्म इज पिकिंग अप। फिल्म इज पिकिंग अप। और पब्लिक रिपोर्ट क्या आई है सर? पब्लिक को फिल्म पसंद आ रही है। फिल्म पसंद आ रही है, पसंद आ रही है। ये भी हो सकता है कि दिल्ली का सब्जेक्ट है, लोग यहाँ के हैं तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं, ज्यादा बट ओवरऑल पसंद आ रही है। दैट्स वेरी नाइस। और आज एक और फिल्म लगी है विकल्प, उसके क्या हाल है? सर विकल्प की ओपनिंग काफी पुअर है। एक्सपेक्टेड बिकॉज स्टार कास्ट नहीं है, टाइटल प्लस इट्स नॉट अ वेरी वेल प्रमोटेड फिल्म। या प्रमोशन भी उसका बहुत कम था और स्टार कास्ट भी बिल्कुल थोड़ी सी लोगों के लिए अननोनी है, तो ये भी इफेक्ट है उसकी ओपनिंग का। तो आई थिंक द वीकेंड बिलोंग्स टू नो वन किल जेसिका। या नो वन किल जेसिका, बिल्कुल। थैंक यू कोमल जी। और अब हमारे साथ हैं मिस्टर पंकज लाडिया हु इज द प्रोग्रामिंग हेड ऑफ आईनॉक्स चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस ईस्टर्न रीजन। पंकज जी वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। पंकज जी आज एक बहुत ही ईगली अवेटेड फिल्म लगी है नो वन किल्ड जेसिका और कलकत्ते में बहुत सारे आईनॉक्स मल्टीप्लेक्सेस है, आईनॉक्स फोरम, आईनॉक्स रजरट, आईनॉक्स बर्द्वान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके मल्टीप्लेक्स चेन में नो वन किल्ड जेसिका की ओपनिंग कैसी रही? सर ओपनिंग पिक्चर की बहुत अच्छी लगी है। पहले शो से अगर आप देखिएगा तो ओपनिंग अराउंड 50-55% था जो अर्ली मॉर्निंग शोज होते हैं। ये सारे आईनॉक्स प्रॉपर्टीज में? हाँ मैं एवरेज नहीं, जो बेस्ट प्रॉपर्टी आईनॉक्स फोरम है उसका बताता हूँ। अगर उसके सोचिए अगर 55% के मॉर्निंग शो ओपनिंग लगती है तो एवरेज आउट करने से 35% की ओपनिंग लगती है। 35% वो एक अर्ली मॉर्निंग शो होता है 9 बजे का। ओके okay. जैसे ऐसे दिन जाते रहे हैं ऐसे फिर प्राइम शोज चालू हुए हैं, आफ्टरनून शोज, ये ऑक्युपेंसीज बढ़ रहे हैं, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव है। ओके वेरी इनकरेजिंग। तो ऑक्युपेंसी भी बढ़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्राइम शोज आ रही है। वेरी गुड। सो यू फील के जैसे जैसे द डे प्रोग्रेसेस एंड द वीकेंड इटसेल्फ सैटरडे एंड संडे के कलेक्शंस और भी बढ़ेंगे? यस सर ऑब्वियसली, क्योंकि मैं खुद ही एक दो जन से रिव्यू लिया हूँ जो नॉर्मल पब्लिक जनता ने पिक्चर देखे हैं। उन लोगों सबको मूवी बहुत अच्छी लगी है। स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत टाइट है। तो डे बाई डे वीकेंड के लिए ये बहुत ही प्लस प्रोडक्ट रहना चाहिए। और सभी को अच्छे लग रही है अभी तक, मैं कोई भी कहीं से भी कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं पाया हूँ। सभी टाइप की ऑडियंस को पिक्चर अच्छी लग रही है। और किसका काम ज्यादा पसंद आ रहा है, रानी मुखर्जी, विद्या बालन या दोनों का? सर यहाँ थोड़ा रानी मुखर्जी का पुल ज्यादा है, बीइंग अ बंगाली लेडी, यहाँ रानी मुखर्जी के लिए, बट बोथ ऑफ देम आर वेरी स्ट्रांग, दोनों के एक्टिंग बहुत स्ट्रांग है, बट रानी मुखर्जी के पुल थोड़ा ज्यादा है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी हैज कम, तो वो एक बेनिफिट है यहाँ पर रानी मुखर्जी के लिए थोड़ा ज्यादा। दैट्स गुड न्यूज। और आपके सिनेमा में विकल्प भी लगी है? सर सिनेमाज में विकल्प नहीं लगी है। अच्छा किसी आईनॉक्स प्रॉपर्टी में कलकत्ता में नहीं लगी है? नहीं सर मेरे कोई सिनेमाज में विकल्प नहीं लगी है। ओके तो आपके मल्टीप्लेक्स में तो ऑफकोर्स इट विल बी द बोलबाला ऑफ नो वन किल जेसिका। होपफुली पिक्चर बहुत अच्छा होल्ड करेगी वीकेंड में और एज वेज एज वीकडेज में भी होल्ड कर सकती है मूवी। वेरी गुड वेरी गुड। ओके थैंक यू पंकज जी। थैंक यू कोमल जी। थैंक यू। With us now is Mr. Tinku Singh, who will talk to us about the collections of today's releases at his chain of single screens and multiplex cinemas, that is the SRS chain. Tinku ji, welcome to ETC Bollywood Business Show. Mein aapka swagat hai. Namaskar, Komal ji. How are you? Namaskar. Very well, very well. Tell me, No One Kill Jessica ki opening kaisi lagi aapke cinemas mein across different cities? Gorakhpur, Patiala and Sector 12, Faridabad. We have clocked 20%. 20%. Okay. I mean, which is as low as, you know, I mean, but wo to mere khayal se sardi ke karan bhi hoga, bahut cold wave. That's what I was coming to, that, you know, this was actually due to very, very cold wave. Correct. Because Delhi mein everybody, everywhere there is, it's a very cold breeze. Correct. To aapko lagta hai ki Saturday aur Sunday ko definitely iske pickup hone ke bahut zyada chances hai. 100% I feel that it is going to pick it up. That's how the gut feeling is. Because
if people are not coming, if people are not leaving, even for, you know, going to the loo during the show, which means it is the movie has got some grip on it. Correct. So maybe the word of mouth is going to help to create that buzz. Very true. And as it is, you know, some of the bold dialogues and everything which is being Rani Mukherjee ke, Rani Mukherjee ke. So all these things are going to create. करेक्ट बिल्कुल सही. और आपके यहाँ दूसरी फिल्में लगी हैं विकल्प एंड इम्पेशेंट विवेक. विकल्प हमने गाजियाबाद में लगाए हैं और हमने गोरखपुर में लगाए हैं. और उसकी ओपनिंग उसकी ओपनिंग तो इट्स वेरी वेरी लो, आई मीन नॉट इवन 10%. एंड इम्पेशेंट विवेक एंड अशोका द हीरो, हमने अशोका द हीरो तो नहीं लगाया लेकिन इम्पेशेंट विवेक वी हैव डन इट इन वी हैव पुट इन इंदिरापुरम. एंड आई मीन एट द मोमेंट जो भी है थोड़ा बहुत जो भी बज है वो सिर्फ जैसिका का ही है. बिसाइड दैट देयर इज नथिंग एल्स. ओके थैंक यू टिंकू जी फॉर शेयरिंग ऑल दिस. अब हमारे साथ है मिस्टर टी श्रीकांत जो हमें बताएंगे कि प्रसाद मल्टीप्लेक्स हैदराबाद में फिल्में आज की रिलीजेस की ओपनिंग कैसी है, रिपोर्ट कैसी है. मिस्टर श्रीकांत वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस. कोमल जी नमस्कार. नमस्कार मिस्टर श्रीकांत. आज नो वन किल जैसिका रिलीज हुई है. हाँ जी. How is the opening and what is the public response like? Public response has been good before the release of the movie. Yeah. Unfortunately, हमारे यहाँ थोड़ी बहुत ये तेलंगाना issue के वजह से the film has not received such a great response at the box office because today there is a bund announced by the Telangana region. Ooh. So, is your cinema working today? Yeah, cinema is working, but okay. But the kind of response that you naturally public darti hai bahar nikalne se. Public, ha, public staying indoors, so that's the reason why it did not receive. But otherwise, the film before the release, we had a great you know inquiry at the box office. And what is the collection like in the? I think the response right, I mean from the morning show today is about 35-40%. But you're sure that as the day progresses and Saturday and Sunday ko collections pick up honge. I am very confident the shows are going to be full. Okay, that's very nice. So, public reports kya hain? Reports is that the movie is intense, the movie is good. I think the movie is going to get a great critic response. Okay, and aapke yahan wo dusri release bhi hui hai, dusri film aaj ki Vikalp? नहीं नहीं कोमल जी नहीं हुआ. इट्स ओनली नो वन किल जैसिका. ओके थैंक यू मिस्टर श्रीकांत. थैंक यू सो मच. सिनेमा वालों से आपने जान लिया कि दोनों फिल्मों के क्या हाल है. अब चलते हैं जनता जनार्दन के पास और पब्लिक से जानते हैं कि उन्हें आज की दोनों रिलीजेस कैसी लग रही हैं. एक्सपेक्टेशंस इतने ज्यादा थे नई मूवी के ऊपर. एक्सपेक्टेशंस वेयर मेट बट डायलॉग्स थोड़ा सा वीक है. आई डिडंट लाइक द डायलॉग्स. रानी मुखर्जी फिल्म के जान है और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है. अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली हैंडल. जस्टिस के बारे में जो भी था वो एंडिंग में इंटरवल के बाद दैट वाज गुड. सबरीना का एक्टिंग भी विद्या वाले ने बहुत अच्छा किया. आज के लिए बस इतना ही.